हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय में आपके जो बच्चे हैं क्लास फर्स्ट में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कैसे ले पाएंगे, वो सारी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि कैसे हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपके इस नोटिस में आपका मैं डाउट सारा क्लियर कर देने वाला हूँ। अगर और कुछ डाउट रह जाए तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका केंद्रीय विद्यालय यानी KVS के नाम से जो आता है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। और कब तक रजिस्ट्रेशन होने वाला है? 15 अप्रैल तक इसका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। और हाँ, किस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाला है? आपका क्लास फर्स्ट के लिए, जो भी आपके चाहे बॉय चाइल्ड हो चाहे गर्ल चाइल्ड हो चाइल्ड होगा उसके लिए, फर्स्ट वालों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हुआ है, आपका नोटिफिकेशन का लिंक भी हमने डाल रखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए ये आपकी वेबसाइट है kbsonline.admission.kvc.gov.in, ये आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप कर सकते हैं, सेशन 2024 और 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें बस क्लियर हो गई। तो अभी यहाँ पर हम एक बार आपको बताते हैं, अगर आपका देखा जाए सही से पूरा, तो यहाँ पे अगर देखिए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन क्लास फर्स्ट इन केंद्रीय विद्यालय फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 विल बी कमेंस एट 10 AM ऑन 1/4/2024, यानी कि आज 3 तारीख है, आज 3 अप्रैल है। और ये आपका रिलीज हो चुका था कब? 1 अप्रैल को रिलीज हो चुका था। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, वो अपलोड कर दिया गया था और अपडेट दे दिया गया था। कब तक चलने वाला है? मंडे क्लोजिंग विल बी 5 PM ऑन 15/4/2015, यानी 15 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, आप अपने बच्चों का जो भी हो उसको 15 अप्रैल तक फिल कर सकते हो। तो फिलहाल आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। हाँ, एक बात आपको ये बस इतनी ध्यान रखनी होगी कि आपका क्लास फर्स्ट में अगर बच्चा एडमिशन आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो इतना बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो बच्चा हो क्लास फर्स्ट में 6 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपका एडमिशन करवा सकते हो, वो भी 31/3/2024 तक आपका बच्चा 6 साल का हो जाना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल हो, यानी कि आपका बच्चा एलिजिबल रहेगा फॉर्म को फिल करने के लिए, तभी आपका जाके रजिस्ट्रेशन होगा, तभी जाके आपका एडमिशन होगा, जिन्हें रजिस्ट्रेशन का आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, और एक सूचना और आपको बता दिया जाए, अगर आप क्लास फर्स्ट से ज़्यादा की मतलब सेकंड की बात करी जा रही, थर्ड की अगर आप देख रहे हो, तो आपको पहले जो जिस अगर क्लास मतलब पहले एक शांति से क्लियर ध्यान से सुनिए, जो आपका बच्चा एक मिनट हाँ एक सेकंड हाँ बता रहे हैं आपको, देखिए जो आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है, क्लास फर्स्ट में अगर बच्चे का एडमिशन आप करवा रहे हो तो उसका 6 साल का चाहिए आपको। ठीक है, 6 साल का चाहिए तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इसका ऑनलाइन रजिस्टर कर दीजिए आप। ठीक, इसका ऑनलाइन रजिस्टर कर दीजिए। जो हमारे बच्चे क्लास आपका सेकंड हो गया, जैसे क्लास सेकंड के बच्चे हो गए, क्लास थर्ड के हमारे अगर स्टूडेंट होंगे, अगर इनका क्या कर रहे हो आप एडमिशन करवा रहे हो किस में? KVS में। तो उसमें आपको सबसे पहले देखना होगा जिस KVS विद्यालय में आप करवा रहे हो वहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, कितनी सीटें वैकेंट हैं। अगर आपकी वहाँ पे वैकेंट सीटें दिखने को मिल जा रही हैं, अगर वहाँ पे वैकेंट सीटें देखने को आपको मिल जा रही हैं, तभी जाके वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको इसका ऑफिशियल, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड करिए, इसमें सारी चीज़ों को फिलफिल करके जिस पहले पता कर लीजिए कि आपका जो नियरेस्ट KVS विद्यालय है उसमें सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं। अगर खाली हैं तो आप जाइए फुलफिल करिए, अपने सीट वहाँ पे भरिए, और ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। और वैसे मैंने इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हुआ है, आप जाके वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और जाके आप स्कूल में अपने जमा कर सकते हैं। ये किसका था? क्लास 2, 3, 4 के लिए था और 5 के लिए था, लेकिन क्लास फर्स्ट में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका क्या होगा किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो भाई हमने आपको बता दिया है, अगर इसमें और कोई आपको कोई दिक्कत रह जाए, ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लास सेकंड एंड अबव आर अवेलेबल इन द विद्यालय वेबसाइट एज रजिस्ट्रेशन कैन बी डन पर शेड्यूल फॉर एडमिशन 2024 एंड 2025। ठीक, रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश एडमिशन क्लास
सेकेंड एंड अबव विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ वैकेंसी एग्जिट इन कॉन्सर्ट के वी, यानी कि जो आपका सेकेंड और थर्ड मान लीजिए सेकेंड के ऊपर या सेकेंड या सेकेंड के ऊपर रहेगा, अगर जिस विद्यालय में वैकेंसी खाली रहेगी तभी आपका एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, पहले आप पता कर लीजिएगा फिर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सबको ही करना है ऑनलाइन, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हुआ है, आप जाओ वहाँ से करिए। ठीक है, और कोई भी चीज़ें ना समझ में आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और यहाँ पे आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट का ये देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है, एलिजिबल एज फॉर एडमिशन की बात करें, कौन कौन एलिजिबल एज की बात करें, तो यहाँ पे अगर क्लास फर्स्ट की देखें, क्लास फर्स्ट जो अगर आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है तो 6 ईयर बट लेस नॉट लेस देन 8 ईयर, यानी कि आपका 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। सेकेंड क्लास का बच्चा अगर रहेगा, आप क्लास सेकेंड करवा रहे हो तो 7 साल से 9 साल के बीच में होना चाहिए, और क्लास थर्ड में 8 साल से 10 साल के बीच में होना चाहिए, क्लास फोर्थ में 8 साल से 10 साल के बीच में होना चाहिए, क्लास फिफ्थ में 9 साल से 11 साल के बीच में होना चाहिए, फिर क्लास सिक्स की बात करी जाए तो वही 10 साल से 12 साल के बीच में होना चाहिए। ये जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्राइटेरिया होने वाला है आपके बच्चों के लिए जो के वी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ और कुछ ना समझ में आए तो एक बार पूछ लीजिएगा, फिलहाल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका नोटिफिकेशन डाल दिया है, आप उसको डाउनलोड करो, प्यार से पढ़िए, और कोई समस्या होती है मैं बताइए। और ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो ऑफलाइन आपको जमा करना होगा, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको सिंपली जाके यहाँ से रजिस्ट्रेशन में आगे बढ़ना है, और हमने डाल दिया अपने चाइल्ड का नाम और नंबर वंबर डाल के रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो वैसे भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कुछ चीज़ें ना क्लियर रहे तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पूर्णतः मदद करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन में मदद की जाए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।